हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुक विद सरोज में। तो आज की हमारी रेसिपी है दूध के पेड़े। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आधा किलो फुल क्रीम दूध लिया है, आधा कप चीनी, 4 से 5 इलायची, इनको हम बारीक कूट लेंगे, 10 से 12 पिस्ते, इसको भी हम बारीक काट लेंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई रखेंगे और उसमें दूध को डाल देंगे और एक उबाल आने तक पका लेंगे। जैसे कि एक उबाल आ चुका है, अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक दूध गाढ़ा ना हो जाए। इसको हम चलाते रहेंगे ताकि दूध जले ना। जैसे कि दूध आधा हो चुका है, अब हम इसमें चीनी को डालेंगे और इसको मिक्स करने के बाद चलाते रहेंगे। जैसे कि दूध गाढ़ा हो चुका है, अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और इसको मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए पका लेंगे। जैसे कि ये मावा बन चुका है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे कि ठंडा हो चुका है, अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। तो सबसे पहले हम हाथों में घी लेंगे। घी को हम अच्छी तरीके से हाथों में लगा लेंगे। अब हम थोड़े से मावा को लेंगे और इसको गोल करेंगे और पेड़े की शेप दे देंगे और इसी तरीके से हम बाकी के पेड़े भी तैयार कर लेंगे। जैसे कि हमने सारे पेड़े बना लिए हैं, अब हम इनके ऊपर पिस्ते लगा लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। आप भी ये रेसिपी घर पर बनाइए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारे आने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।